नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएच स्टडी पॉइंट में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ जो रेलवे भर्ती परीक्षा 2019 है, ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो इसकी अभी एग्ज़ाम डेट जो है घोषित नहीं की गई थी, लेकिन आज एक काफ़ी बड़ी जो है न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एडमिट कार्ड हैं अब इस मंथ में जो है जारी होंगे। तो वो कौन सा मंथ होगा वो मैं आपको न्यूज़ में विद प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाना ना भूलें। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ विद प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो मैं आ गया हूँ दोस्तों अपनी ऑफिशियल न्यूज़ पर। यहाँ देखिए, RRB NTPC कब आएगी, NTPC परीक्षा की तारीख जानिए रेलवे अधिकारी ने क्या कहा। तो मैं आपको जो न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ उससे पहले आप कोई भी कमेंट करिएगा तो काफ़ी सोच समझ कर करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं RRB NTPC एग्ज़ाम डेट आने वाले दिनों में जारी की जाएगी, वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4 दिन पहले ही रिलीज होगा। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी न्यूज़ पढ़ते हैं। तो न्यूज़ मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये 14 अक्टूबर 2019 को 10:18 की न्यूज़ है और अब हो रहे हैं 10:27। चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं। RRB NTPC परीक्षा की तारीख आने वाले दिनों में जारी की जा सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जल्दी एक ऐसी एजेंसी नियुक्त करने वाला है। परीक्षा कराने के लिए एजेंसी मिलने के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएंगी। अधिकारी ने यह भी कहा है कि एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। यानी कि आपका चल रहा है अब अक्टूबर, अक्टूबर से 1 या 2 महीने यानी आपका नवंबर और दिसंबर के बीच आपकी जो है 100% जो है आपकी जो है एडमिट कार्ड की डेट घोषित कर दी जाएगी। आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे नवंबर या दिसंबर के, या तो नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग तक। ऐसे में उम्मीद कि नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह, नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह में NTPC परीक्षा की तारीख जारी की जा सकती है। RRB NTPC 2019 परीक्षा की तारीख RRB की सभी रीजनल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जारी होगा। उम्मीदवार अपने रीजन की RRB वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि NTPC में 35,028 पदों के लिए 1,26,30,885 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। तो कंपटीशन दोस्तों काफ़ी हाई होने वाला है, इसमें वैकेंसी आपकी पूरी 35,000 हैं, 35,208 हैं, और जो फॉर्म फिलअप हुए हैं आपके 1,26,30,885 फॉर्म भरे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है। यहाँ आपके जो हैं पद दिए गए थे जो कि आपके NTPC में हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। आज की न्यूज़ इतनी ही थी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही न्यूज़ लाते रहता हूँ। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।